से मौलाना बोल रहे हैं कि 29 का चांद लाए थे खींच कर, उसके मुंह में भी नकेल डाल दिया, जैसे समझते हैं कि घर का बकरा है, जब चाहे जब चाहते हैं चांद खींच खांच करके लाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये खिंचाऊ पट्टे जितने हैं इनके खींच खांच को मत देखो, मुस्तफा की शरीयत पर निगाह रखो। आमिना के चांद ने दुनिया के दिलों को रोशन किया है, ये कलमा पढ़कर अभी तक अंधेरे में बकटुट्टी घूम रहे हैं, इनको रास्ता नहीं मिला। इसीलिए तो तर्जुमा करते हैं, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता देखा। अबे 1500 साल हो गए अभी तक नहीं देखा है, हम तो देख चुके हैं। अब हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जरिए जो हमको कुरान मिला है, हमने रास्ता आपके सदके में देख लिया है, अब ए मौला दिखा दिया रसूल ने तेरी ये नायत, अब हमें सिराते मुस्तकीम पर चला। रास्ता देख रहा खड़ा है तो पहुंचेगा स्टेशन तक, बोल दे देखा। मौलाना गुलाम मुस्तफा ने कहा ये स्टेशन जा रहा, फिर बोलता देखा। अबे दूसरा आया मौलाना सैयद अमीन मियां साहब धारिया आए, इन्होंने अपनी धार बताई, ये रास्ता आए तो बोलते देखा। अरे इतने लोग दिखा चुके, फिर बोल रहा देखा देखा। 1400 साल से हजरते रसूल करीम ने दिखाया, सिद्दीक अकबर ने दिखाया, उमर फारूक ने दिखाया, मौलाए कायनात ने दिखाया, इमाम आजम ने दिखाया, इमाम शाफई ने दिखाया, गौसे पाक ने दिखाया, अरे हिंदुस्तान में ख्वाजा साहब ने दिखाया, साबिर कलियरी ने दिखाया, ख्वाजा दाना ने दिखाया, ख्वाजा दीदार ने दीदार करा दिया। बोलता है देखा देखा, तो वो रास्ता तो नहीं दिख रहा है जो चल रहा है। बोलता आसमान में दिखा, आसमान का चांद दिख जाता, यहां का रास्ता नहीं दिखता। और बोलता देखा देखा, तो सोचो जो अभी तक इस्लाम का रास्ता नहीं देख सका वो चांद क्या देखेगा। वो कहीं से इधर उधर से देख लिया होगा, कभी कभी जो बकचोच जो होता है उसको ऐसे देखता है तो मालूम होता है कि चांद। बोले वो चांद, वो चांद, अबे तेरी आंख बकचोच है। ऐसे ही बकचोच जैसे चांद देख लिया होगा और समझता है कि देख लिया, लेकिन अल्लाह हिकमत और गालिब है, वो जाहिर कर देता है। एक मर्तबा तो 28 का चांद खींच कर लाए थे, ये कभी ये बोगस हैं, इससे फोकस इनके पास आता है, फेक्स आता है और ये उसे कबूल करते हैं। बहरहाल चांद के मामले में बहुत केयरफुल रहो। मदीने के चांद ने तरीका बता दिया है कि आसमान का चांद कैसे देखें, और इरशाद फरमाया फइन गुम्मा अलैकुम फतकमिलुल इद्दा, ऐ लोगो मुस्तफा का फरमान सुनो कि अगर बदली हो गुबार हो, दो बातें सुनना, बदली हो गुबार हो तो उस वक्त तुम्हें नजर ना आए तो 30 की गिनती पूरी कर लो, और वरना अगर आदिल सिका गवाह मिल जाए तो ऐलान करो। सिका समझे परहेजगार, सिका कहूं तो नहीं समझेंगे, उसका तर्जुमा है परहेजगार लोग। ऐसे नहीं अटक मटक वाले आए, दाढ़ी रखने के बजाय इतनी तो रख लो खुजी, और सबसे बड़ा ये कि अंदर ही गड़बड़ है, एम्पलीफायर सही नहीं है तो क्या उसकी आवाज हम लेंगे भाई।
पहले अकीदा दुरुस्त करो जब शहादत लेंगे। बहरहाल ये मौजू कभी आएगा तो मैं बयान करूंगा। आसमान का चांद देख लेते हैं और जमीन की अजमत से नावाकिफ हैं। मेरे दोस्तों, रोजा ईद ये अल्लाह की इबादत है, इसे बर्बाद मत करो, जल्दी मत करो। शीर खुरमा ठंडा नहीं हो रहा है, जल्दी पकाओ, जल्दी पकाओ। और अगर रमजान का चांद होगा तो अगर 29 का नहीं आया तो कोई खुरचने नहीं जाता, आसमान को खुरचते नहीं है, बोलते चलो एक दिन और खाने को मिला। अरे खा धूड़, चटोर गली में जाओ, दिन रात खाओ, इसीलिए पैदा किए गए हो। अरे अल्लाह की इबादत, उस वक्त अगर चांद तुमको रमजान का नजर नहीं आया तो तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि काश 29 का हो जाता तो एक रोजा आज ही से हमको रहना होता। तो बोलते चलो अच्छा हुआ नजर नहीं आया, एक दिन और खाने को मिलेगा। और ईद का चांद नहीं होता है, नकेल डाल डाल के रहते, चल टिक टिक, चल टिक टिक। अबे कहां तक तू यहां करेगा, वहां अल्लाह के यहां सबको जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, अपनी ईद और रोजे को कभी इन लोगों की शहादत पर आप मंजूर मत करना। आप ये मत देखना कि वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो। अरे वो पढ़े तब भी वैसे ही, ना पढ़े तब भी वैसे ही। तुम्हारी अपनी इबादत को हिफाजत करना है। ये ईद के मामले में ऊधम चौकड़ी, ये इस्लामी वकार और शान के खिलाफ है। मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी को इबादत के सांचे में ढालो।